اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

और इस बात को याद करो कि मैंने तुम्हें सारे जहान वालों पर फजीलत आता फरमाई और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान के कुछ काम न आवेगी और ना उसकी तरफ से कोई शफात कबूल की जाएगी और ना ही उसकी तरफ से कोई फदिया लिया जाएगा और ना ही उनकी हमायत की जाएगी और याद करो उस वक्त को जबकि हमने तुम्हें फिराउन के आल से नजात अता फरमाई जो तुम्हें अजाब का मज़ा चखाते थे तुम्हारे बेटों को जबाह कर दिया करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करते थे और इसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से बड़ी आजमाइश है और याद करो उस वक्त को जबकि हमने तुम्हारी वजह से दरिया को फाड़ दिया फिर हमने तुम्हें नजात आता फरमाई और आले फिराउन को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे ये बकरा की आयत नंबर सैंतालीस अड़तालीस उनचास और पचास है इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला बनी इसराइल पर अपने इनामात का तस्करा फरमा रहे हैं सबसे पहली बात जो बनी इसराइल है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल रब्ल ने हज़ारों अम्बिया कराम को मरूस फरमाया और औररत याकूब आलाम की जो औलाद है इसे बनी इसराइल कहते हैं बनी इसराइल के ऊपर तफसील से क़लाम इससे पहले हो चुका है सबसे पहली नमत कि अल्लाह ने अम्बिया का नज़ूल कसरत से फ़रमाया फिर दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने सारे जहान वालों पर इन्हें फ़जीलत आता फ़रमाई यानी जिस वक्त बनी इसराइल थे उस वक्त के लोगों पर उनको फ़जीलत आता फरमाई थी फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इस नेमत को याद करो और फिर उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के काम ना आवेगी दुनिया के अंदर हमायत का तीन तरीक़ा होता है या तो यह कि कोई सिफ़ारिश कर देता है सिफ़ारिश की वजह से इंसान बच जाता है या तो कोई फ़दिया और तावान और मुआवज़ा दे देता है जिसकी वजह से वह सज़ा से बच जाता है छूट जाता है कितने मुजरमीन होते हैं जो जाते तो हैं जेल के अंदर लेकिन कुछ दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं इसलिए कि तावान ले लिया जाता है फ़दिया ले करके मुआवज़ा लेकर उसे छोड़ दिया जाता है इसी तरीके से तीसरा यह है कि कोई उसका हिमायती खड़ा हो जाता है बड़ी पार्टी का है वो खड़ा हो गया उसकी हिमायत करने वाला तो फिर इसलिए उस पर हाथ नहीं डाल डाला जाता कि भाई इतने बड़े आदमी का है तो फिर हम कैसे उसको परेशान करें अल्लाह फरमा रहे हैं क़्यामत के दिन ये तीनों चीज़ें काम ना, ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी ना ही कोई फदिया और ना ही कोई हमायती होगा इसलिए यह ना सोचो कि दुनिया के अंदर तो हम बच जाते हैं तो आखिरत के अंदर भी बच जाएंगे वत तकु यौम तज़ी नफ़स अन नफ़सिन शैया एक दूसरी जगह अल्लाह ने फ़रमाया है ली तुम व उखरा वह ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठावेगा हर आदमी अपना बोझ उठावेगा कोई वहाँ पर तैयार हमायत के लिए नहीं होगा इसी तरीक़े से एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने इरशाद फरमाया फरमायासूर आबस के अंदर लिकुलम राम मिन हम इदिन मदिन शु हर शख़्स एक शान बे न्याजी के अंदर होगा हर आदमी अपनी नफसा नफसी के अंदर पड़ा हुआ होगा उसको इतनी फुर्सत ना होगी कि वो दूसरे की तरफ देख सके बाहर क़ैफ़ यह सारी आयात हैं तो इस आयत के अंदर भी उसकी तरफ तोज्जो दिलाई गई है कि हो सकता है जहन के अंदर ये बात आ जाए कि फ़लाँ से हमायत करवा लेंगे फ़लाँ से सिफ़ारिश करवा लेंगे अल्लाह फरमा उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के कुछ भी काम ना आवेगी और ना ही उसकी तरफ़ से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी ना ही कोई फ़दिया लिया जाएगा और ना ही उनकी हमायत की जाएगी फिर अल्लाह ताला दूसरा इनाम अपना याद दिला रहे हैं वदन जई ना कुमिन फ़िरऊन या सुसुम कमसू और याद करो उस वक्त को जबकि हमने तुम्हें आले फिराउन से नजात आता फरमाई वो फिराउन क्या किया करता था जो तुम्हें अजाब का मज़ा चखाते थे युज़ बेहू न अब अकुम तुम्हारे बेटों को जबाह कर दिया करते थे वयस्तू निस अकुम तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करते थे ये फ्राउन जो है मिस्र के बादशाह का लकब हुआ करता था जो काफिर बादशाह मिस्र का होता था उसका लकब फिरौन होता था जैसे नजाशी के हबशा के बादशाह का नजाशी लकब होता था इसी तरीक़े से रूम के बादशाह का कैसर लकब हुआ करता था फ़ारिस के बादशाह का किसरा लकब हुआ करता था यमन के बादशाह का तुब्बा लकब हुआ करता था ऐसे ही मिस्र के बादशाह का फ्राउन लक़ब हुआ करता था तो उस वक्त का जो फ़्राउन था वह हजरत नू आम के एक साहबजादे की औलाद में से था उसका नसब भी महफूज है और मतलानी का दावा कर दिया कि मैं ही रब हूँ अना आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवर दिगार हूँ सूर तहा पढ़ें उसके अंदर पूरा तस्करा मिलेगा तफसल से तो उस फिरऊन ने खब देखा तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मनकूल है कि उसने ख्वाब में यह देखा कि मुकद्दस से एक आग निकली और उसने सारे किबतियों के घर को जला डाला उसके घर के अंदर चली गई और जितने बने बनी इसराइल हैं उनके घर उससे महफूज रहे वो बहुत परेशान हुआ उसने सुबह उठ उठते ही जब दरबार में आया तो उसने अपने नजूमियों को बुलाया ख्वाब के माहरी को बुलाया जो बड़े उलमा थे उनके नज़दीक उनको बुलाया उनसे पूछा तो उन्होंने सब ने इसकी ताबीर ये दी कि एक बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होने वाला है कि जो तुम्हारी हुकूमत का ख़ात्मा कर देगा तुम्हारी सल्तनत को कुचल देगा और तुम्हारा नाम व निशान दुनिया से मिटा देगा वो तो खड़ा हो गया कुर्सी पर सरे हमारे हमारी तूती बोलती है ऐसा बच्चा पैदा होगा जो हमारी हुकूमत का ख़ात्मा कर देगा फ़ौर उसने सरकारी फरमान जारी कर दिया कहा आज के बाद से बनवा इसराइल का कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसको फ़ौर क़त्ल कर दिया जाए हाँ बच्ची से कोई डर नहीं था इसलिए बच्चियों को बाकी रखा जाए ताकि वो हमारी बेगारी करें हमारे यहाँ काम करें और उस वक्त से नज़र रखी जाती थी किस घर के अंदर कौन औरत हामिला है ये सब किब्ती तैयार करते थे पूरी लिस्ट और जिस दिन बच्चा पैदा होता था उसको कत्ल कर दिया जाता हज़ारों बच्चों को उसने कत्ल करवाया जबह करवा दी हज़ारों बच्चों परेशान थे बनी इसराइल कर क्या सकते थे लाखों की उसकी फौज थी कोई कुछ नहीं कर सकता था अल्लाह ताला उसे इनाम का तस्करा फरमा रहे हैं वदनजैन आल फ़िर सूम नुमसून आदाब जो तुम्हें आज़ाब का मज़ा चखाते थे आजाब के मज़े मज़ा क्या था बेगारी लिया करते थे जितने भी बनी इसराइल थे उनसे गुलामी करवाया करते थे काम लिया करते थे बेगारी लिया करते थे और बहुत सख्त उनको जो है मशक्क़त वाले काम में डाला करते थे युद्ध बेहूनाबनाकुम बेटों को ज़बह कर दिया करते थे वयस्ता यू अकुम तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ दिया करते थे तो फिर पूरा वाक़ तफसील से इन आगे आएगा वो आप हजरात के इल्म के अंदर है सूरतहा के अंदर कि अल्लाह रबुल्ज़त ने कैसे परवरिश फरमाई और मूसा सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उनको एक संदूक में डाल दिया डाल करके छोड़ दिया और फिर यही है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम आ क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे कि जिस घर से सबको क़त्ल किया जा रहा था अल्लाह ने उसी घर के अंदर मूसा की परवरिश फरमाई उसी के साय तले फरमाई अब मूसा बड़े हो गए फिर एक वाक़ पेश आया कि एक कबती जुल्म कर रहा था एक बनी इसराइल के ऊपर मूसा ने देखा और उसको डांटा और नहीं माना फिर उसे एक घूसा मारा वो मर गया अब शोर हो गया अब मूसा मदीन चले गए जरत शुब्म के पास फिर वहीं पर उनका नेकह भी हो गया वहाँ पर दस साल रहे वो पूरी दास्ताना बेगी फिर अल्लाह ने नबी बना करके भेजा तो फिर ओन को दावत दी मुजा पेश किया पूरा लंबा वाक़ है लेकिन फिरओं ने इनकार कर दिया जो जादूगर थे उनसे मुक़ाबला हुआ जादूगर सारे के सारे हार गए वह सारे के सारे ईमान कबूल कर लिए लेकिन फिर ने इतना ज़्यादा म किया कि जिन्होंने ईमान कबूल किया था मिन खिलाफ़ एक तरफ के हाथ को और एक तरफ के पैर को कटवा करके चौराहे पर लटकवा दिया इतना जुल्म किया बार कैफ हज़रत मूसा सलाम ने फिर प्लानिंग की और सारे बनी इसराइल को कहा कि हम लोग आज रात निकल जाए छोड़ करके मिस्र कहीं और चले जाएं ताकि फिरौनियों से नजात मिल सके और उसने उसकी खुफिया एजेंसी ने सब बता दिया कि निकलने वाले हैं कब निकलेंगे सुबह अलग सुबह निकलेंगे उसने कहा ठीक है जितने मुर्ग हैं जैसे ही आवाज़ देंगे फौरन हम लोग हमला करेंगे उसमें लिखा है तफसीर कसीर ने कि अल्लाह की तरफ से ऐसा करना हुआ कि उस रात कोई मुर्ग आवाज ही नहीं दिया अल्लाह जिसकी हिफाजत करे कौन उसे बर्बाद कर सकता फिर उन जब उठा देखा अरे आज कोई मुर्ग ही नहीं बोला तो उसने एक मुर्ग को मंगवाया और उसको काटा और कहा कि जितनी देर में मैं इसे खत्म करूं पाँच लाख फौज का दस्ता मेरे सामने हाजिर होना चाहिए नहीं तो खैरियत नहीं और दनादन काम हुआ सब हाजिर हो गए और सारे फ़ौजियों को लेकर के मूसा और बनी इसराइल का पीछा किया और ये लोग दरिया तक पहुंच चुके थे दरिया नील तक इतने में पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया अब आगे दरिया है और पीछे ज़ालिम हज़रत यूषा इबिन नून ने हज़रत सलाम से कहा कि कह अल्लाह के नबी अब हम क्या करें आगे जाएं तो दरिया है और पीछे जाएं तो फिर है तो हज़रत मूसा आम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हमारा रहनुमा है हज़रत ने नून ने कहा कि ना तो हम आपको झुटलाते हैं ना आपके खुदा को झुटलाते हैं तीन मरतबा ये कहा कि वही नाजिल हुई मूसा फ़रब आसवा कल हजर अपनी लाठी को मारो और जैसे ही मारा अल्लाह रबुल्ज़त ने ये पानियों को खड़ा कर दिया दीवार बना दिया बारह कबाइल थे बारह दीवारें बन गई और सारे बनी इसराइल बासानी निकल गए और फिरओन उसके पीछे पीछे आया और फिर ओन के जितने लश्करी थे वो जब बीच दरिया में पहुँचे अल्लाह ने हुक्म दिया पानी मिला और सारे के सारे उसके अंदर गरको फिर ओन का वाक़ भी जिक्र किया है कुरान के अंदर मैंने कहा ना जब डूबने लगा तो कितना लंबा कलमा पढ़ा उसने आमन तो अनु लदि आमन अदभी बनु तो लाइन का कलमा पढ़ा और ज़िंदगी में क्या पढ़वा रहे थे मूसा सलामाम ला मूसा कलीमल्ला तोफ़ी नहीं हो रही थी गर गरे के वक्त का ईमान मतबर नहीं है जिस वक्त इंसान की आखिरी वक्त आखिरी वक्त आ जाता है मौत का वक्त आ जाता है फ़रिश्तों को देखने लगता है उस वक्त की तोबातर नहीं इतना वक्त अल्लाह ने दिया काफ़ी नहीं है अल्लाह ने इतने सारे कासिद हमारे पास भेजे ये दाढ़ियों का सफ़ेद होना बाल का सफ़ेद होना उम्र का ढलना ये अल्लाह के कासिद हैं लेकिन इंसान इनसे बेखबर होता है हर चीज़ का हमने वक्त मुकर कर रखा है सुबह नाश्ता करने का एक वक्त है ऑफिस जाने का एक वक्त है मार्केटिंग करने का एक वक्त है शाम को पार्टी में जाने का एक वक्त है सोने का एक वक्त है लेकिन नमाज के लिए कोई टाइमिंग क़ुरान के लिए कोई टाइमिंग नहीं जिस वक्त मौत आवेगी फिर उस वक्त एहसास होगा कि काश कुछ वक्त हमें मिल जाए लेकिन उस वक्त वक्त नहीं मिलेगा अल अलव अरबी का मक़ूला है टाइम इज़ मोर टेरीशियस दैन गोल्ड वक्त सोने से ज़्यादा कीमती होता है हर चीज़ का बदल मिलेगा लेकिन वक्त का बदल नहीं मिलेगा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के हमारी नौजवान नस्ल पबजी गेम के अंदर फ्री फायर के अंदर अपने अवकात को कीमती अवका को ज़ाय करती जिन महल्लात में जाना होता है अक्सर महल्लों के अंदर देखना होता है मुसलमान बच्चे टोलियाँ बना कर के कोई जुआ खेल रहा है कोई ताश खेल रहा है कोई कैरम खेल रहा है कोई आजकल लूडो आ गया है इसके अंदर बैठ कर के लूडो खेलते रहते हैं कोई वक्त ही नहीं है जैसे कोई काम ही नहीं आपके लिए फजूल अवात के अंदर हराम है ये अवकात अल्लाह की नमत है इसको ज़ाय करते हैं ये फजूल जो गेम्स हम लोग खेलते हैं इस्लाम खेल को प्रोमोट करता है लेकिन वो खेल जिससे हमारा जिस्मानी फ़ायदा हो आप तैराकी सीखिए आप कराटे सीखिए जिस्मानी वर्जिश कीजिए लेकिन इस तरह के खेल जिसमें ना दुनियावी फ़ायदा ना उखरवी फ़ायदा ये तो हलाकत और तबाही के दहाने पर लेकर के जाएगा इसलिए अपने बच्चों को अपने बच्चियों को इससे बचाएँ ये गेम की जो लत पड़ चुकी है बड़े बड़े नौजवान इसके अंदर हैं बड़े बड़े लोग इसके अंदर हैं खाली अवत के अंदर ज़ाय करते हैं अपने अवकात को आखिर क्यों ज़ाय करते हैं आप उस वक्त बैठ कर के कुरान करीम पढ़िए कुरान करीम की एक आयत का तर्जमा कम से कम पढ़ लीजिए कुरान करीम जो आप सूरतें पढ़ते हैं नमाज के अंदर उन सूरतों का तर्जमा तो याद कर लीजिए कि हम क्या पढ़ते हैं नमाज के अंदर इसलिए मेरे भाइयों वक्त को ज़ाय न करो वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह के यहाँ इसकी होगी कहाँ तुमने इसको ज़ाय किया तो मूसीम को अल्लाह ने और मूसा सलाम की कौम को अल्लाह रब्ज़त ने बहफ़ाजत निकाल लिया और फिरओं को उसके अंदर गर्क कर दिया और फिर और अख़ीर में कलमा पढ़ा लेकिन उसके कलमे का एतबार न हुआ क्योंकि गरगरे के वक्त था उसके वक्त का ये एतबार नहीं होता है उससे पहले अल्लाह ने गोल्डन चांस आता किया है सुनहरा मौका दिया है इससे हम फायदा उठा लें कबल इसके कि हमारी आंख बंद हो जाए किसी को मालूम नहीं कि कल का सूरज कौन देखेगा कोई दावा नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कर सकता पता नहीं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसलिए वसीयत लिख लीजिए बहुत सी नमाज़ें छूटी होंगी बहुत से रोज़े छूटे होंगे बहुत से लोगों का पैसा आपने अभी तक नहीं दिया होगा कई जगह चाय वाय पी रखा होगा बाक़ी होगा वो सब लिख लीजिए वसीयत उसको बोलते हैं कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो फ़ला रुपया उनका बाकी है दे देना फ़ला जगह चाय पिया उनका पैसा दे देना इतना कर्ज़ लिया उनको दे देना इसको वसीयत बोलते हैं इंतकाल हो गया आपने वसीयत नहीं किया अब वरअा के लिए ये ज़रूरी नहीं है अगरचे उनको मालूम हो अगर आपने वसीयत नहीं किया है तो आपके जो वसीयत नहीं है कि आपका पैसा बाकी है तो फिर आपने वसीयत नहीं किया है कौन वारिस अदा करता है सब तो खा जाते हैं मरने के बाद कौन पूछता है बात समझ में आ रही भाई इसलिए वक्त की कदर करें वक्त को ज़ाय न करें ख़ास नौजवानों से कहता हूँ बच्चियों से कहता हूँ और अपनी बच्चियों बच्चों के ऊपर निगाह रखें मोबाइल ऐसा फितना है कि इसने सारे मुसलमानों को और सारी इंसानियत को अपने कंट्रोल में ले रखा है इस मोबाइल ने और हमारे सारे अवात को खा जाता है और आजकल हम लोग भी अपने बच्चों बच्चियों को लाड और प्यार के अंदर मोबाइल गिफ्ट करते हैं ये जहर हलाहल है में कातिल है जो उनको हलाक और बर्बाद कर देता है इसलिए वक्त से पहले मोबाइल हरगिज़ न दें इस मोबाइल की वजह से क्या क्या हो रहा है आप हजरात की निगाह के अंदर कितने ऐसी बच्चियां हैं कि जो राह फरार अख्तियार कर जा रही हैं इस मोबाइल की वजह से इस चैटिंग की वजह से मैसेजिंग की वजह से वक्त से पहले मोबाइल देने की वजह से क्यों वक्त से पहले मोबाइल देते और घर के अंदर जाते हैं फिर भी आपका यह फरीज़ा है कि अपने बच्चों को वक्त दें यह नहीं कि मोबाइल के अंदर लग जाए एक तो पूरे दिन शौहर काम पर रहता है जब घर आता है तो मोबाइल लेकर व्हाट्सएप पे मशगूल हो जाता है बच्चों को टाइम ही नहीं देता है आज के बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप की सही मोहब्बत नहीं हासिल करते तो फिर किसकी हासिल करते हैं उन लोगों की हासिल करते हैं कि जो उनको गुमराह करते हैं अपनी सिक्रेट्स उनको बताते हैं आपको नहीं उनके माँ बाप को नहीं पता होता लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड को पता होता है क्यों हमने अपने बच्चों से क्लोज ही नहीं हुए अपने बच्चों को हमने समझा ही नहीं पूछा ही नहीं उससे कि तेरी क्या ज़रूरत है व्हाट इज़ योर नीड तो अपने बच्चों से रिलेशन क़ायम कीजिए ताल्लुक़ क़ायम कीजिए वो समझें कि आप आप उसके बाप हैं दोस्ती कायम कीजिए उस अपनी बच्चियों से पूछिए बेटा तुझे क्या ज़रूरत है उनसे बातें कीजिए अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए ये जो गैपिंग है ना इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है करेंगे इनशा हाँ शौर्ण। अपने अवका का हम ख्याल रखेंगे इन शाह तो फिरओन ने बड़ा लम्बा कलमा पढ़ा लेकिन उसका अतबार ईमान का ना हुआ चूकी गरगरे का वक्त आ चुका था और गरगरे का ईमान मोतबर नहीं है और बनी इसराइल देख रहे थे कि वो डूब रहा है फिर अल्लाह रबुल्ज़त ने फरमाया कि हमने फिरऊन को फ्राउन की नाश को निशान इबरत बना दिया ताकि पूरी दुनिया उससे इबरत हासिल करे कि इतना मालदार था लेकिन आज कोई शख्स अपने बच्चे का नाम फिर रखने के लिए तैयार नहीं है क्या आपने सुना हो तो बता दीजिएगा मेरे नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए किसी अंग्रेज़ ने अपने बच्चे का नाम फ्र रखा हो अरे बहुत मालदार था भाई अरे सोने और चांदी और हीरे जवाहरात वाला था तो अपने बच्चे का नाम फिर रख दीजिए नहीं जो अल्लाह से बगावत करता है उसका अंजाम दुनिया के अंदर भी बुरा होता है और आखिरत में तो होने ही वाला है अल्लाह दिखा देता आप भी नहीं पसंद करेंगे अपने बच्चे का नाम फिराउन रखें तो जब फिराउन रखना पसंद नहीं करते तो फिराउन के रास्ते पर चलना क्यों पसंद करते इसलिए मुकम्मल बायकॉट होना चाहिए नाम का भी और तरीक़े का भी बायकॉट होना चाहिए तो फिराउन जब गर्क़ हो गया और अल्लाह इज़्ज़त ने उनको गर्क़ कर दिया तो हज़रत मसीाम और फिर ने हज़रत मूसी और उनकी कौम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस दिन मूसा सलाम ने रोज़ा रखा और उनकी कौम ने रोज़ा रखा और वो दिन यौम आशूरा था रिवायतों में आता है कि वो दिन क्या था यौम आशूरा का दिन था चुनाचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मनवरा तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ के यहूदियों को देखा कि इस दिन रोज़ा रखते हैं यौम आशूरा को रोज़ा रखते हैं तो पूछा कि तुम लोग इस दिन क्यों रोज़ा रखते है? तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन हमारे नबी हज़रत मूसा सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने फिरओनियों से नजात आता फरमाई थी और इनको गलबा आता फ़रमाया था इसलिए उस खुशी के अंदर उन्होंने रोज़ा रखा था तो हम भी उनकी इतबा में रोज़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नकबा आई मूसा मिनकुम हम तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं इस बात के, के हम कि हम मूसा अलैहि सलाम की पैरवी और इतबा करें चूँकि मैं भी नबी हूँ और मूसा अलैहि सलाम भी नबी थे उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा और सारे सहाब कराम भी रोज़ा रखा करते थे और रमज़ान के रोज़े के फ़र्ज होने से पहले आशूरा का रोज़ा ही फ़र्ज़ था फिर अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने अरसाद फरमाया कि अगर अगले साल मैं ज़िंदा रहा तो एक रोज़े का इजाफा करूँगा आप सोच लें कि इंसान एक रोज़ा ही तो रखता है रोज़ा रखना एक इबादत ही तो है लेकिन इसके अंदर भी यहूियों की मुशााहत नाकबिलबूल है यहूद नसारा की मुशाहत नाकबिलबूल है सोच लें इबादत के अंदर जब मुशाबाह ना कबूल है तो फ़ैशन के अंदर मुशाबहत कहाँ से कबूल हो जाएगी जितने फैशन मगरब से आ रहे हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ अपना रहे हैं वो कहाँ से मोतबर हो जाएगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलीम ने इबादत के अंदर उनकी मुशाबहत से इख्तियार करने से बचाया और क्या फ़रमाया मन तशब बहा बे क़ोिन अमिन हम जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़ियामत के दिन उन्हीं में से उठाया जाएगा और क़ुरान में अल्लाह ने फ़रमाया या अयोहदीन अमन तहूद औलिया बाम औलिया उबाब ईमान वालों कभी यहूद नसारा को अपना दोस्त न बनाओ यहाँ जो विलायत है इससे मुराद कलबी ताल्लुक़ है इस पर भी बयान आ चुका है दोस्ती के चार दर्जे होते हैं तो यहाँ पर कल ताल्लुक़ मुराद है क़ल तल्ल मुराद है यानी इतनी ज़्यादा मोहब्बत और दिल से ताल्लुक़ हो कि उनकी चीज़ों को इंसान अच्छा समझे उनके तौर तरीक़े को अच्छा समझे उनके रसूम व रवाज़ को अच्छा समझे आज क्या कर रहे हैं हम हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूँ पहली सफ़ के नमाजी हैं और फेसबुक के ऊपर हैप्पी बर्थडे बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है वो पढ़ने नहीं आया बहुत पाबंदी से आता है मैंने पूछा क्यों नहीं आते पढ़ने दूसरे दिन आया वो कहा दादा का हैप्पी बर्थडे था ना अच्छा दादा का हैप्पी बर्थडे और हमसे मिलते कहते हैं पोतवा का ज़रा ख़्याल रखिएगा पोतवा को चाहते हैं कि बहुत बड़ा मौलाना बने तब दादा उनके मिले हमने कहा पतवा का हम ख्याल रखें और आपका ख्याल अपना ख्याल कौन रखे आपका ख़्याल कौन रखेगा और आपका ख्याल आप रखें अपने पूरी नस्ल को आप बर्बाद कर रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं आप आपकी औलाद क्या करेंगी आप अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं बिल्कुल जैसे आम हो चुका है अच्छे अच्छे दीनदार हज़रा हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं यहूद और नसारा के तरीके पर चल रहे हैं हराम और नाजायज़ है ये इसलिए आज से आहद करें इन कि अगर अब मनाया है तो आइंदा से हम बचेंगे अल्लाह से सच्ची तोबा करें ऐसा नहीं होता कि थोड़े से मुसलमान हो जाएं और थोड़े से यहूद और नसारा हो जाएं 25 दिसंबर को क्या करते हैं हमारे बच्चे अरे आप लोग ख़बर लेते हैं अपने बच्चों की बस कॉन्वेंट में ले जा कर के दाखिल करा दिया बस आर स्पीकिंग इंग्लिश बस हो गया पाखाने के ऊपर चादी का वर्क उड़ा करके उनको खिलाया जा रहा है उनके ईमान को उनके सीनों से निकाल करके फेंका जा रहा है यहूद नसारा बनाया जा रहा है आपको पता नहीं है जीजस इज द सन ऑफ़ गॉड ये कलिमात कहलवाए जा रहे हैं पता है आपको मेरी क्रिसमस के अल्फाज विश किए जाते हैं पच्चीस दिसंबर को आपके बच्चे कॉन्वेंट के अंदर पढ़ते हैं क्या मतलब होता है मेरी क्रिसमस का यह ईसाइयों का अकीदा है जीसस इज़ द सन ऑफ़ गॉड ईसा सलाम अल्लाह के बेटे हैं और आज के दिन उनकी पैदाइश हुई है मेरी क्रिसमस तुम्हें मुबारक हो अल्लाह को बेटा हुआ है मुबारक हो हमारे बच्चे कहते हैं मेरी क्रिसमस सांता क्लाउज़ उनके लिए टाफ़ियाँ ले करके आता है उनके अकायद को ख़राब किया जा रहा है उनके ईमान को बर्बाद किया जा रहा है जब मैंने यह हदीस पढ़ी मैं छोटा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कुल्लू मौलूदी उ लदुआल फितरा हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है फ़ाबा वाहू युहावीदानी ही और युना सिरो जिसानी है फिर उसके वालदान होते हैं जो उसे यहूदी बनाते हैं उसके वालदैन होते हैं जो उसे नसरानी बनाते हैं उसके वालदान होते हैं जो उसे मजूसी और आतिश परस्त बनाते हैं कहा कहादान कैसे बनाएंगे कोई वालदान अपने बच्चे को यहूदी बनाएंगे आप बनाना चाहेंगे लेकिन जब ये देखा कि 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस आराम से जा के उसी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं मालूम है कि वहाँ पर यह होता है फिर भी करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं और कोई पूछने जाता है बच्ची हमारे यहाँ पढ़ने आती है हिजाब के साथ एक बार मैं जा रहा था स्कूल के टाइमिंग में देखा कि वो यहाँ तक का स्कर्ट पहन करके और बग़ैर हिजाब के जा रही थी मुझे बहुत ख़राब लगा अब उस वक्त तो टोक नहीं सकता था अपनी सहेलियों के साथ थी जब पढ़ने आई तो मैंने उससे कहा इधर आओ समीरा वेयर वॉज योर हैजाब तो वो शर्मा के बोली नहीं रही थी तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की पूछा क्या वजह है तो उसने बताया कि जो हेड मास्टर हैं प्रिंसिपल वो अंदर जानी नहीं रहती हजाब के साथ तो मैंने उनके पेरेंट्स से कहा आपने क्यों उसमें दाखिला कराया जब आपके इस्लामी तश्सात को बरकरार नहीं रखा जाता है आप क्यों ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का क्या आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है आपकी बच्ची स्कूल में जाएगी तो स्कर्ट पहनेगी उसकी टांगी नंगे नंगे सबको दिखाएगी अपने बाल को खोल करके सबको दिखाएगी इस्लाम है आपके नज़दीक अजीब सूरत है हर लोगों की है बगल के अंदर रिजवी लन्ना से मेरा स्कूल अलहमां इंटरनेशनल स्कूल चलता है मैं अपनी आंखों से रोज़ाना देखता हूँ दाढ़ी रखे हुए हजरात अपने बच्चियों को लाते हैं बग़ैर दोपट्टे के बग़ैर हिजाब के स्कर्ट पहना पहना करके ला करके छोड़ करके जाते हैं पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह कुरान में चीख चीख कर के कह रहा है या यादीन आमनू मनुकू अनफुसम व अहलीकुम कुम नारा वन ना वल हिजारा ईमान वालों ख़ुद अपने आप को बचाओ अपने अहलो आयाल को बचाओ आग से पूरी दुनिया की फिक्र लेकर के बैठे हैं अपनी बच्ची की फिक्र कौन करेगा अपनी जात की फिक्र नहीं पूरी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं ये तो शैतान का धोखा है अजीब सूरत हाल है इसलिए बात बुरी ना लगे जो मैं देख रहा हूं चार साल से वो आपको बता रहा हूं चार साल का एक्सपीरियंस है अट्ठारह से हूं जौनपुर में और जहां तक तो होता है मैं कहता भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी बच्ची का नाम वहां से कटवाया और जा के प्रिंसिपल से बात की तो कहा उसने कि नहीं हमारे यहाँ अलाउड नहीं है तो उन्होंने कहा फिर अपनी बच्ची को हम नहीं पढ़वाएंगे इसलिए एडमिशन के वक्त जाइए तो सबसे पहले साफ साफ बात कीजिए इस्लामी तशख़ के साथ हमारी बच्ची पढ़ेगी तो ठीक है वरना हम नहीं पढ़वाएंगे टीटी टी कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ था आपने नहीं देखा नहीं देखा कुछ पता ही नहीं रहता है अभी यू सी सी ना नाफिज किया जा रहा है ये तो मालूम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा रहा है ये भी नहीं पता होगा इसकी डेट अट्ठाईस तक बढ़ गई है चौदह जुलाई तक थी अब अट्ठाईस तक बढ़ा दिया है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी इन लोगों की लॉबी है जो काम कर रही है अभी जुमा को मैंने कहा बताया तीन हफ़्तों से मैं बयान कर रहा हूँ इसके ऊपर तीन जुमा को मैंने बयान किया इस जुमा को मैंने पूछा मैंने कहा आज आखिरी डेट है बाद में वो नोटिस आई मैंने कहा कितने लोगों ने किया एक साहब ने हाथ उठाया अरे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी राय मांगा है कि आप यूसीसी को रिजेक्ट करते हैं या आप उसकी हिमायत में हैं आर यू इन सपोर्ट ऑफ यूसीसी और अगेंस्ट बाहसीत मुस्लिम या आपका फरीज़ा है कि अपनी राय तो दें आप आज तक राय नहीं देने के लिए तैयार हैं आप लोग दो बटन दबाना है, वो नहीं दबा पा रहे हैं दुनिया भर के लिए व्हाट्सएप यूज़ करेंगे चार चार घंटा पाँच पाँच घंटा छः छः घंटा दो बटन आपको दबाना नहीं दबा पा रहे हैं सूरत हाल है मैंने ऐलान किया रोका उसमें से भी कुछ लोग रुके मैंने उनका करवाया मैंने जिम्मेदार बनाया कि कम से कम अपने मोहल्ले के अंदर कुछ तो फिक्र कर लो नहीं नाफिस कर देंगे करेंगे वो बात की बात है अभी अल्लाह पूछेगा जब तुझसे राय मांगी जा रही थी तूने राय क्या दिया था राय भी नहीं दिया तूने हो जाएगा तो क्या करेंगे उस पर मेरा बयान पूरा सुन लीजिए क्या करना है अमेरिका के अंदर मुसलमान नहीं रहते हैं ऑस्ट्रेलिया मुसलमान नहीं रहते हैं बिरितवानिया के अंदर मुसलमान नहीं रहते हैं वहाँ पर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ है कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ वहाँ पर है लेकिन वहाँ पर मुसलमान अपने इस्लामी तश्खसात के साथ रहते हैं इस हफ्ते का मेरा पूरा बयान सुन लीजिएगा लेकिन जो अभी करने का काम है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर अपना एहतजाज वहाँ पर दर्ज करवाइए ये इस वक्त का मुस्लिम यह शरा फरीज़ा है जो आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है दो से तीन बटन दबाना है लिंक हमसे ले लीजिए उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जी मेल ओपन ओपन जी मेल लिख करके आएगा ब्लू कलर के अंदर उस पर आप क्लिक करेंगे आपका जी मेल ओपन हो जाएगा दरख्वा भी लिख दी गई है सिर्फ अपना नाम लिखना है सेंड के बटन पर क्लिक करना है वो आपकी दरख्वास्त चली जाएगी बस एक मिनट का काम है ये करेंगे इन तो अल्लाह ने फ़रमाया कि याद करो उस वक्त को जबकि हमने तुम्हें नजात आता फ़रमाई फिरओंन के आल से जो तुम्हें मज़ा चखाते थे अजाब का और तुम्हारे बेटों को जबह कर दिया करते थे तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करते थे और इसमें तुम्हारी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश है और याद करो उस वक्त को जबकि हमने तुम्हारे लिए दरिया को हार डाला फिर तुमको नजात आता फरमाई और आले फिराउन को हमने गर्क़ कर दिया जबकि तुम देख रहे थे बनी इसराइल खड़े होकर के इस पार से पूरा नज़ारा कर रहे थे और उसके सामने सारे के सारे किबती हलाक हो गए और बर्बाद हो गए अल्लाह इन न्यामतों का तस्करा फरमा करके कहते हैं कि अब तो ईमान ले आओ अब तो अपने गुनाहों से तोबा कर लो अल्लाह ने इतनी न्यामतें तुम्हें आता फ़रमाई हैं फिर बनी इसराइल की खबासतों का आगे ज़िक्र होगा कितनी ख़बासतें किया करते थे अल्लाह के इतने इनाम के बावजूद फिर अल्लाह ने क्या किया दुनिया के अंदर भी लानत और फटकार लगाई और आख़िरत के लिए हमेशा हमेशा की ज़िल्लत उनके लिए मुकद्दर हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत औरत मुस्तकीम पर गामजन फ़रमाए अल्लाह ताला ईमान पर हम सब का ख़ात्मा अता फ़रमाए सुभान अल्लाह सुभानक अल्लाहुम्मा ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक